हम सोचते हैं कि माइक हम कुछ भी इस्तेमाल कर ले, इससे क्या फर्क पड़ता है। बट माइक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितना आप कैमरे के लिए सोचते हैं, उतना ही आपको माइक के लिए भी सोचना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने माइक को सही वे में, राइट वे में चूज करेंगे। हर एक इंसान जो प्रोफेशनली वीडियो शूट करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, एज ए वीडियो क्रिएटर काम करता है, उनके लिए राइट माइक चूज करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि माइक हम कुछ भी इस्तेमाल कर ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट माइक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितना आप कैमरे के लिए सोचते हैं, उतना ही आपको माइक के लिए भी सोचना चाहिए। बट हम कैमरे में सारा फोकस दे देते हैं और माइक में कुछ फोकस देते ही नहीं है। तो अगर आपको माइक के बारे में डिटेल्स में जानना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक, या माइक के रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स आपको माइक के बारे में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइसेल्फ मधुमिता गोस्वामी, वन ऑफ द ट्रेनर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। तो मैं बात कर रही थी माइक की। माइक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माइक के ऊपर ही आपके ऑडियो की क्वालिटी निर्भरित होता है। और माइक आपको सस्ते से सस्ता 300 से 500 रुपए के रेंज में भी मिलेगा और हजारों लाखों रुपए के रेंज में भी मिलेगा। तो क्यों हम ज़्यादा कॉस्टिंग देके माइक खरीदते हैं, ताकि हमारी ऑडियो की क्वालिटी अच्छा हो, हम यहाँ पे जानेंगे। एक माइक का प्राइस रेंज के ऊपर निर्भरित होता है कि उस माइक के फीचर्स कितना ज़्यादा होगा, उस माइक के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस कितना अच्छा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियो की क्वालिटी कितना बेहतर होगा वो भी निर्भरित होता है। क्योंकि जितना अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उतना ही आप जो बात करेंगे, जो सब्जेक्ट वीडियो के अंदर बात करेगा, उनकी बातों को बेहतरीन तरीके से ऑडियो के थ्रू वीडियो के अंदर वो माइक लेके जाने में हेल्प करता है। तो अभी माइक के डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। माइक्स के जो डायरेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आइदर माइक्स ओमनी डायरेक्शनल होते हैं या तो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल माइक्स मीन्स आप अगर इस तरह का कोई माइक इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी वीडियो कंटेंट की नेचर के ऊपर निर्भरित करते हुए, जहाँ पे आपको आसपास के ऑडियंस के या आसपास के लोगों के भी साउंड चाहिए, तो आपको ओमनी डायरेक्शनल माइक इस्तेमाल करना चाहिए। बट अगर आप इंडिविजुअली शूट कर रहे हैं, जैसे मैं इंडिविजुअली शूट कर रही हूँ, मैं ही यहाँ पे बात कर रही हूँ, मेरे आसपास कोई और साउंड मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे यूज़ करना है यूनी डायरेक्शनल माइक, और उसी सब्जेक्ट के वॉइस को आगे वीडियो के अंदर लेके जाएगा। आसपास का कोई भी डिस्टर्बिंग साउंड नहीं आएगा यूनी डायरेक्शनल माइक के अंदर। तो ज़्यादातर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इंडिविजुअली वीडियो क्रिएट करते हैं और अपनी फेस की ब्रांडिंग करते हैं, वो लोग यूनी डायरेक्शनल माइक ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे नॉइज़ भी रिडक्शन हो जाता है, इको भी नहीं होता है, और ऑडियो की क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है। तो अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइक के बारे में। हमें मार्केट में तीन प्रकार के माइक्स मिलते हैं, जो हम अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप टाइप ऑफ माइक चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन तीन प्रकार के बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना कस्टमाइज वे में चूज कर सकते हैं टाइप ऑफ माइक। फर्स्ट टाइप, डायरेक्शनल हॉट शू माइक। हॉट शू सुनने से आपको लग रहा होगा ये तो माइक की बात हो रहा है, यहाँ पे शूज़ की मतलब जूते की क्या बात हो रहा है। बट हॉट शू का मतलब हॉट जूता नहीं है। हॉट शू का मतलब है जिस प्रकार के माइक डायरेक्टली कोई कैमरा के ऊपर फिट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है हॉट शू माइक। तो हॉट शू माइक को इस्तेमाल करके इंडिविजुअल क्रिएटर अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली कैमरे के साथ अपने माइक को सेटअप कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ माइक है बूम माइक। बूम माइक बहुत लंबे होते हैं और उन पे फाड़ लगे हुए होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये जानना ज़रूरी है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कि बूम माइक को आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो परफॉर्म करते हुए उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। आपको अलग से एक इंसान रखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर माइक को सिर्फ रेगुलेट करने के लिए। जो मैं ऐसे इंडिविजुअली शूट कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे माइक को इंडिविजुअली और एक इंसान रेगुलेट करे, मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। बट अगर मैं बूम माइक इस्तेमाल करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे और एक इंसान रखना पड़ेगा उस बूम माइक को रेगुलेट करने के लिए, और जो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअली अपना शूटिंग खुद करना चाहते हैं, तो आपको बूम माइक के लिए नहीं जाना चाहिए।
तो बूम माइक आखिर यूज कहाँ होता है? बूम माइक यूज होता है न्यूज चैनल में, या तो जो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके पास ऑलरेडी वीडियोग्राफर है जो उनकी वीडियोस को शूट करते, वही लोग उनकी माइक को भी रेगुलेट करते। तो इस तरह की जो जर्नी है वहाँ पे बूम माइक यूज होते हैं शूटिंग के लिए। थर्ड टाइप का जो माइक है वो है लैपल माइक, या तो इसको लेवलर भी बोलते हैं। तो अभी मैं जो माइक यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए, इस प्रकार के माइक को बोलते हैं लैपल माइक, जो इंडिविजुअल क्रिएटर के लिए किसी भी तरह की वीडियोस शूट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसकी ऑडियो की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। अभी जो मैं यहाँ पे माइक इस्तेमाल कर रही हूँ ये रोड कंपनी का माइक है। आप इस तरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइक को, या तो आप बोया कंपनी का भी माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि अगर आप रोड कंपनी का माइक इस्तेमाल करते तो इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कंपैरिजन टू बोया माइक्स। तो ये तो था टाइप्स ऑफ माइक और किस प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस प्रकार के माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट वे में। अगर आप एक बढ़िया फीचर वाला माइक खरीदते हैं और उससे एक वीडियो शूटिंग करते हैं और उस वीडियो की कंपैरिजन आप अपनी प्रीवियस वीडियोस के साथ करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक वीडियो की क्वालिटी, एक ऑडियो की क्वालिटी कितना अच्छा हो सकता है एक माइक के ज़रिए। और ये एक्सपीरियंस आप खुद ही कर सकते हैं। कितना भी मैं आपको आगे गाइड करूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि माइक की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ प्रैक्टिकली खुद करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आता है। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने माइक को सही वे में, राइट वे में चूज करेंगे और अपने माइक के जरिए अपने वीडियोस में और चार चांद लगाएंगे। तो अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जर्नी में और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमसे सीखना है तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक सुनहरा मौका, फ्री सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोर्स। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने फ्री कोर्स को आज ही हमारे साथ शुरू करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।